अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए 3 मरला का एक बहुत ही प्यारा घर लेके आए हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि वीडियो व्लॉगिंग स्टाइल में आपके लिए बनाएं। घर बहुत प्यारा है, आपको बाहर निकल के आज हम घर का टूर देते हैं। लें जी व्यूअर्स, जो घर आज हम आपके लिए लेके आए हैं, मैं गाड़ी लॉक कर लूँ पहले। अच्छा जी, ये आप देखें, ग्रीनरी वाला रोड है, वाइटल हाउसिंग सोसाइटी में ये घर मौजूद है। बेहतरीन लोकेशन का ये घर है, मेरे पीछे आप घर देख सकते हैं, मैं आपको घर दिखाता हूँ। ये आप देखें, बहुत ही प्यारा आज घर हम आपके लिए लेके हैं। 3 मरला के ये हाउस है और इसका एलिवेशन आप देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका एलिवेशन बना हुआ है, बहुत ही प्यारा एलिवेशन। और इसके अगर व्यूवर्स मैं फ्रंट की बात करूँ तो 20 फिट फ्रंट के साथ आपको ये घर मिल रहा है। 20 फिट इसका फ्रंट है। और व्यूअर्स, आपको पता है कि 20 फीट फ्रंट जो है वो 4 मरला के घरों में होता है, ये 3 मरले का घर आपको 20 फीट फ्रंट के साथ मिल रहा है। मतलब ये कि आप 3 मरले का घर खरीद रहे हैं, शशके इसके जो हैं वो 4 मरले के होंगे। तो अब आपको दिखाते हैं इसका सबसे पहले एलिवेशन और इसकी लोकेशन भी बताते चलते हैं। इसकी जो लोकेशन है वाइटल हाउसिंग सोसाइटी फिरोजपुर रोड लाहौर है। एलिवेशन देखें, ये LDA से 100% अप्रूव सोसाइटी है। यहाँ पे इसका मैप भी LDA की अप्रूवल में, स्टार्टिंग के ऊपर आपको लॉन एरिया भी मिल जाता है। और इसका रोड आप देखें, रोड जो है वो कारपेट होने वाला है। ये वाइटल का सबसे प्राइम ब्लॉक है, सिर्फ रोड इसके ब्लैक टॉप होने वाले हैं, वो इंशाल्लाह हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये जो घर आपके लिए लेके आए मार्केट में, इस मार्केट के अंदर सबसे कम कीमत है। सामने बैरियर है, आपने कोशिश करनी है कि जब भी आना है हमारे पास आना है, इंशाल्लाह आपकी अच्छी डील करवाएंगे। और आपको घर के अंदर लेके चलते हैं। स्टार्टिंग पे आप गेट देख सकते हैं, बेहतरीन गेट है इसका और फ्रंट एलिवेशन भी खूबसूरत है। आए स्टार्टिंग पे देखें, लॉन एरिया बड़ा प्यारा बनाया गया है, ग्रास अच्छा नहीं लगाया लेकिन इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा अगर आप इसको करना चाहें तो। ऑनर ने जो करना था कर दिया। अच्छा जी, अब आपको अंदर से दिखाते हैं। गैराज में आपने बहुत सी टाइल्स देखी होंगी लेकिन इस तरह से मोटिव्स वाली टाइल आपने गैराज में बहुत कम देखी होंगी। ये मोटिव्स वाली टाइल हैं, आप देखें लीव्स बने हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे छोटी गाड़ी हमारी इजीली खड़ी हो सकती है। स्टार्टिंग पे पॉड रूम की ऑप्शन भी आपको मिल जाती है और छोटी गाड़ी आपकी ईजिली खड़ी हो जाती है। वाइटल में जितने भी घर हैं यहाँ पे ज़्यादातर छोटे गैराज होते हैं कि आपकी छोटी गाड़ी भी नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि फ्रंट के ऊपर जो यहाँ पर गली छोड़ी गई है फ्रंट पे बैक पे, वो यहाँ पे रूल है, LDA का रूल है। लेकिन ये डबल यूनिट हाउस बनाया गया, इसकी स्टेयर्स जो है गैराज में से ही हैं। और व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं इसका लाउंज का मेन डबल डोर, सॉलिड डोर है। और इसके अलावा यहाँ से हम अंदर चलते हैं। अच्छा जी, लॉक था। अंदर आते हैं तो ये आप देखें जी, लाउंज और ड्राइंग एरिया काफ़ी स्पेशियस साइज़ में आपको लाउंज और इसका ड्राइंग रूम एरिया मिलता है। वॉलपेपर बड़े ज़बरदस्त है, आप ये देखें कि इसका जो वॉलपेपर है वो बड़ा अच्छा लगाया गया है। सीलिंग डिज़ाइन भी बेहतरीन है, फैंस इसमें इंस्टॉल्ड नहीं है, फनूस इंस्टॉल्ड है, मीडिया वॉल। टाइल्स की अगर हम बात करें, 2x2 की टाइल्स है। इस साइड पे डेकोरेशन पीसीज के लिए बनाया गया है, आप अपने अच्छे से अच्छे डेकोरेशन पीसीज यहाँ पे लगा सकते हैं। इस साइड पे आपकी सोफ़ा सेटिंग होगी और इजीली आप अपनी सोफ़ा सेटिंग करके इस साइड पे आप अपनी LCD प्लेस कर सकते हैं और यहाँ पे इस घर के मज़े ले सकते हैं। अच्छा जी, बात करते हैं किचन्स की। मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे थे मेरी बहनों के कि मुदस्सिर भाई रिक्वेस्ट किया करें अपने बिल्डर से कि किचन अच्छे से अच्छे हों। देखें जी, ये बहुत प्यारा किचन है और अच्छा किचन बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें, बड़ा काम अच्छा किया गया है। ये टॉप के ऊपर जो है ब्लैक गोल्ड मार्बल है, सिंक चोरस है, स्टेनलेस स्टील में है, चूल्हा कैनवुड का है, हुड आपको चॉइस का मिल रहा है। इसके अलावा आप किचन का काम देखें, कैबिनेट्स देखें, बेहतरीन है। डोर्स देखें, ये बेडरूम है, ग्राउंड फ्लोर का बेडरूम भी बड़ा ज़बरदस्त है। और ये आप देखें, 2x2 की टाइल फ्लोरिंग है और यहाँ पे वॉलपेपर्स वगैरह निसब है। सीलिंग डिज़ाइन बेहतरीन है, वॉल के ऊपर भी सीलिंग आ रही है जिसके ऊपर वॉलपेपर लगा दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे 2 सेक्शन में आपको वार्डरोब्स मिलती हैं। इस साइड पर आपको वॉशरूम मिलता है, अटैच वॉशरूम है। ये आप देख सकते हैं इसका वॉशरूम, टाइल वर्क, टाइल वैनिटी, कमोड, बेहतरीन काम किया गया है। कलर कम्बिनेशन आप देखें, ब्लैक वाइट, ग्रे, ब्लैक वाइट और ग्रे, ये सारी चीज़ें कलर कम्बिनेशन को देखते हुए लगाई गई हैं। और वो उसका जो टैब है ये भी ब्लैक कलर में लगाया गया है। तो इस साइड पे वेंटिलेशन एरिया मिल जाता है। तो व्यूअर्स, ये वाइटल जो है पाकरब के बिल्कुल साथ लगती है, मैं आपको गाइड करता चलूँ। आपने अगर लाहौर के अंदर पाकरब हाउसिंग सोसाइटी देखी है तो ये पाकरब के बिल्कुल साथ आपको मिलती है, पाकरब और शादाब के बिल्कुल साथ है ये। हम स्टेट से ऊपर चलते हैं।
स्टेयर्स में आप देख सकते हैं ब्लैक गोल्ड मार्बल है, साइड पर स्टेनलेस स्टील की रेलिंग है। ऊपर जो है फर्स्ट फ्लोर का डोर बिल्कुल सेपरेट कर दिया है, कल को आपने रेंट आउट करना है, दो फैमिलीज ने रहना है, इजीली जो है वो सेपरेट डोर कर दिएगा, अक्सर लोग नहीं लगाते हैं। ये ऊपर का लाउंज एरिया आप देखें जी, 2x2 की टाइल फ्लोरिंग है, इधर आपकी LCD प्लेस होगी। मीडिया वॉल की बैक साइड पर आप देखें लाइटिंग रोप लाइट लगा दी गई है। सीलिंग में जो है आर्टवर्क किया गया है। इसके अलावा ये किचन, कुछ थोड़ा सा सामान ऑनर का पड़ा हुआ था यहाँ पे, हम उसको बीच में नहीं लेंगे वीडियो के। ये जी बेडरूम है और वॉलपेपर 2x2 की टाइल फ्लोरिंग, सीलिंग डिज़ाइन आप देखें बेहतरीन है और 2 सेक्शन में वार्डरोब्स है। इसके अलावा इसका जो वॉशरूम है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, वैनिटी कमोड टाइल वर्क, बेहतरीन और स्पेशियस साइज़ का वॉशरूम है, वार्डरोब्स और इस साइड पे वेंटिलेशन एरिया। इस घर के अंदर टोटल आपको 3 बेडरूम्स मिलते हैं, डबल लाउंज डबल किचन गैराज छोटी गाड़ी का। आपको पता है कि 3 मरला के घर में एक जो बेड होता है वो थोड़ा कंप्रोमाइजिंग होता है, लेकिन फिर भी ये स्पेशियस साइज़ का बेडरूम है, मतलब कि इसकी स्पेस अच्छी है। सीलिंग डिज़ाइन वार्डरोब जो है यहाँ पर स्लाइडिंग में दे दी गई हैं, ये स्लाइडिंग में वार्डरोब्स हैं। और ये जी केबल की वायरिंग और ये वॉशरूम। आपको छत भी दिखा देता हूँ और व्यूवर्स मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। अक्सर लोग ना ये चीज़ देखते हैं कि मुदस्सिर भाई ने वीडियो अपलोड कर दी है, जाओ डायरेक्ट जाके डील करो और कमीशन बचाओ। देखिए जी, आप कमीशन तो बचा लेते हैं, कितनी है, 1% कमीशन है, इससे ज़्यादा कमीशन तो नहीं है। ये ऊपर स्टोर रूम, ये ऊपर छत पे मार्बल। अच्छा, मैं आपके साथ बात कर रहा था, आप लोग कमीशन बचा लेते हैं लेकिन वो आप घाटे का सौदा करते हैं। घाटे का सौदा कैसे है? एक तो आप चीज़ बहुत महंगी ले लेते हैं। मैं अपने क्लाइंट्स को जितने में चीज़ लेके देता हूँ, मैं दावा करता हूँ इतने में कोई भी नहीं लेके देता, बहुत कम प्राइस में। मेरी ऑनर के साथ बड़ी बहस चलती है, बड़ा रीज़नेबल करवा के मैं चीज़ लेके देता हूँ। लिहाजा आप एक तो ये काम करते हैं, दूसरा अपने आप को ट्रबल में डालते हैं, ख़तरे में डालते हैं। देखें डायरेक्ट डील करना, आप तो अगले बंदे को नहीं जानते, आपने टोकन करना है, बयाना करना है, कल को अगर वो बंदा भाग गया फिर क्या करेंगे? कम से कम आपको ये तो पता है कि मुदस्सिर भाई के 4 ऑफिसेज हैं लाहौर में और अच्छा डील करते हैं, रजिस्टर्ड कंपनी है, कल को आप मुझे पकड़ सकते हैं लेकिन उस बंदे को नहीं पकड़ सकते। लिहाजा बेहतर यही है 1% कमीशन ना बचाया करें, और इधर उधर के डीलरों से आप बच के रहा करें, जिनके अपने ऑफिसेज नहीं हैं चलते फिरते डीलर्स, उनसे थोड़ी एहतियात किया करें क्योंकि वो आपको ख़तरे में डाल सकते हैं। लिहाजा जो एक्सपर्ट बंदा है जिसका काम है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लाखों फॉलोअर्स हैं, हम आपको अच्छी चीज़ लेके देंगे मार्केट की कम से कम प्राइस में करवा के, ये हमारा वादा है आपसे। और इस घर की डिमांड 1,20,00,000 है, टोकन पे कमी बेशी हो सकती है। अगर आप इस घर की डील करना चाहते हैं आप हमारे पास आ सकते हैं, आके डील बना सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो अगर इस बार वाली पसंद आई हो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा ये ट्रेंड आपका अच्छा है या पहले वाला अच्छा था, ये लाजमी बताइएगा। इसमें ज़रा डिटेल ज़्यादा बता दी है, ज़्यादा आपके साथ बातें भी हो गई हैं। अपना ख्याल रखिएगा, वेयर जाओ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।